ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन व्हिच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। बोला ना पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये, आपको पूछा जाता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का कहां से हमें एविडेंस मिलता है, तो हम बोला कि आर्टिकल 79 क्लियरली स्टेट्स दैट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज बाइकैमरल एंड प्लस प्रेसिडेंट, ठीक है, शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस टू बी नोन एज रिस्पेक्टिव द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा एंड हाउस ऑफ द पीपल मीन लोकसभा, ठीक है, दीज टू नेम्स ऑलवेज रिमेंबर दैट आर नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स दीज इंस्टीट्यूशंस एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल। हिंदी नेम लोकसभा एंड राज्यसभा वर गिवन बाय द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, हिंदी नाम उन्होंने दिए थे जब राज्यसभा और लोकसभा कहा था इनको, इज एक्चुअली 1954 में, ठीक है, ये कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा, एस राधाकृष्णन राइट बिकेम इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग द नेम्स एज राज्यसभा एंड लोकसभा बाय दीज टू हाउसेस, ठीक है, याद रखना बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस पार्लियामेंट, अगर आपने फंक्शनिंग की समझ गए आदि इकोनॉमिक समझ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड अनलेस यू हैव थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। मनी बिल्स, सारा फाइनेंशियल सिस्टम मनी बिल्स पर बेस्ड है, मनी बिल्स आपको तभी समझ आएंगे जब आपको पार्लियामेंट के प्रोसीजर के बारे में पता होगा, फाइनेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन मनी बिल्स राइट, बजट पेश होता है ना, सारी इकोनॉमिक बजट पे चलती है राइट, अल्टीमेटली हु इज द अथॉरिटी राइट विच एवेंचुअली पासिस द बजट, इट इज द पार्लियामेंट, वेयर बजट इज इंट्रोड्यूस्ड, बजट का प्रोविजन क्या है, किस प्रोविजन के अंदर बजट पेश किया जाता है, बजट पे डिस्कशन डिबेट, बजट की स्टेजेस क्या हैं, कैसे कैसे पास होता है, आप तो सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे में बजट पढ़ लेते हो राइट, बट उसके पीछे कंसेप्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पता होना चाहिए कि बजट कैसे इंट्रोड्यूस होता है, बजट किस टाइप का बिल है, इसको मनी बिल कहते हैं तो मनी बिल क्यों कहते हैं, बजट में क्या प्रोविजन होते हैं राइट, बजट की पैसेज में क्या क्या स्टेप्स आते हैं राइट, दीज ऑल आर ले डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 112 आर्टिकल, दिस प्रूव इंडिकेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड दस मेक्स एग्जीक्यूटिव एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये बताना तभी प्रेसिडेंट इसका पार्ट है, अदरवाइज इन यूएसए पार्लियामेंट मीन्स टू हाउसेज ओनली, जिसको हम कांग्रेस कहेंगे, मीन्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दैट इज लोअर हाउस एंड सेनेट दैट इज अपर हाउस राइट, एज डिस्कस अर्लियर एंड बींग रिपीटेड हियर टू दैट ऑल्दो द प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ही इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इट, ठीक है, he not only summons the two houses of parliament and dissolve the house of the people but also gives his assent before any legislation can take effect, theek hai, no bill can become a law unless president gives his assent to that, jab tak president sahab sign nahi karte tab tak koi bhi kanoon law ki shape nahi le sakta, force mein nahi aayega, theek hai, it comes into force immediately right when the president put his signature there on, theek hai, on this date wo law force mein aa jata hai, exactly, ठीक है, उसी वक्त प्रेसिडेंट के पास कुछ ऑप्शंस हैं कि अगर वो वेटो करना चाहता है राइट, तो उसके पास एक किस्म की सस्पेंसिव वेटो है, ही कैन रेफर राइट द बिल बैक टू द पार्लियामेंट राइट फॉर रिकंसिडरेशन रेजिंग द ऑब्जेक्शंस व्हिच ही हैज अबाउट दैट बिल, कि ये बिल में ये ऑब्जेक्शंस हैं, इनको रेक्टिफाई करो, ठीक है, ऑल्दो इट डज नॉट हैपन जनरली बट इट डज नॉट मीन दैट प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है, ही एक्सरसाइज्ड इन 2006 मैंने बात की थी राइट व्हेन एपीजे सेंट अ बिल back to the parliament for reconsideration,